आज गोपालपुर नगरी में लगा हुआ जाम। देखिए हम पालमपुर को जा रहे हैं लेकिन रास्ते में हम जाम में फंस चुके हैं। देखिए वो हमारे कनेक्टर जी कैसे गाड़ियाँ आगे पीछे करवा रहे हैं लेकिन जाम आगे तक लगा हुआ है, तो हम कहाँ से जाएं? जाम जाम ही जाम जाम ही जाम जाम ही जाम जाम ही जाम लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए जाम जाम ही जाम लगा हुआ है। तो जाम में फंसे हुए हम लोग, तो हमें लगी है भूख, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो जितना जाम लगा हुआ है तो हम देख रहे हैं हमें भूख भी बहुत लगी हुई है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चाट बबलू चाट भंडार भंडार के आसपास पहुँच चुके हैं, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ये है हमारे सन्नी भाई, मुझे आसपास में बताया गया है कि ये बहुत अच्छे समोसे और टिक्की बर्गर बनाते हैं, चौमीन तो इनकी लाजवाब है। देखिए जो कि ये अब पूरी तैयारी से हमें बर्गर तैयार कर रहे हैं, तो उनके पास आलू छोले भी मिलते हैं। तो आप क्या हमें खिलाना पसंद करोगे? जो आप खाना पसंद करोगे। क्या खिलाना पसंद करोगे भाई जी आप? जो भी आप खा सकते हैं, जो आपको पसंद है। चलो भाई हमें एक बर्गर बना दीजिए। तो इनके पास मोमो मोमो का तो बेची होगी खाली है। ये हमारे चाचा जी जो कि हमें पूरी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। देखिए चौमीन अब हमारी उबलने वाली है, ये समोसे डाले हुए चाचा जी ने और यहाँ पे समोसों का सामान बना के रखा है और बाकी कार्यक्रम चालू है। चाचा जी क्या बोल सकते हैं आप, दिन में कितने समोसे बेल देते हैं? खाने रोटी मिली जाती ना, पहनने कपड़ा मिली कपड़ा। तो चाचा जी का कहना है कि खाने के लिए रोटी मिल जाती है और पहनने के लिए कपड़ा मिल जाता है। तो चाचा जी कसम से ये है कि बस हमें दो वक्त की रोटी मिल जाए हम उसी में घुस हैं। ये चाचा जी की बहुत अच्छी सोच है, बहुत मानकार चाचा जी हैं हमारे। कान में काफ़ी भीड़ थी अब जाम के खाते, तो अब जाम छूट चुका है तो बंदे चले गए। जो कि हमारे सन्नी भाई अब पूरी तैयारी से बर्गर भर रहे हैं हमारे लिए। चलो दोस्तों हमारा बर्गर रेडी हो गया, अब हम आपको बर्गर